मैं वहाँ भी खड़ा होता, मस्जिद को भी नहीं तोड़ने देता, मैं अकेले निपट लेता, मैं अकेला ही, मुझे जरूरत नहीं है किसी की, मैं अकेले निपटने लगा। मुझे मैं आया हूँ लेट, नहीं मस्जिद पे भी बुलडोजर नहीं चलने देता मैं। यार हम भाई की तरह रहते हैं, आज तुम ऐसा करो कल को हम भाई बन के रह लेंगे, हमारे साथ तो ये होगा, ये मुझे नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो पहले तो हम हमारे सभी भारतीय मुस्लिम भाइयों को साहस देना चाहते हैं कि बुराई ज्यादा देर नहीं जीत सकती। और अब हम देखते हैं कि जहां एक और संघी और एक पार्टी और दल के लोग मुसलमानों के घर तोड़ने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी हिंदू भाई हैं जो गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देखें अंजना ओम के चेहरे का रंग कैसे उड़ जाता है जब कोई भारत की अखंडता की उदाहरण देता है। जहांगीरपुरी की गलियों से साफ है, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो जूस कॉर्नर हो, जो अवैध है वो हर हाल में टूटेगा। स्थानीय लोगों का विरोध हो रहा है, स्थानीय लोगों का बहुत ज्यादा विरोध है, लेकिन बावजूद इसके बताओ सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया, रोक लिया तो फिर कूद और फोड़ हो रहा है, ऐसा हम लोग का गरीब। मैम मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होकर रहते हैं, पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे सारे दुकान यहाँ से चलना पड़ेगा, यहाँ से पुलिस हमें हटने के लिए कह रही है, हट रहे हैं, लेकिन यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरा जो आगे वाला हिस्सा था स्थानीय। और जरा देखें हमारे पॉलिटिकल गोदी जानवरों के मुख पर जो खुशी है एक समुदाय के घरों को ढहता देख। हम इन जाहिल लोगों से यही कहना चाहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, आने वाली पीढ़ियां हमारी इस नफरत का परिणाम भुगतेंगी। अगले क्लिप में हम देखेंगे वरिष्ठ पत्रकार साक्षी जोशी जी का बीबीसी से की गई बातचीत का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट का सच बताया है और हमारी गवर्नमेंट, हमारे न्यायालय और संघीय दलों की पोल खोल कर रख दी है और बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने वालों की गिरफ्तारियां ना करके यही तो शासन प्रशासन बताना चाहता है ना कि हम यही करेंगे और खुलेआम करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे, रोक कर दिखाओ। और जो हिंदू हिंसा करते हैं उन्हें मैसेज है कि तुम मुसलमानों के खिलाफ कुछ करोगे तो तुम्हें हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस दंगा फसाद का हिस्सा बन रहे हैं क्योंकि उन्हें संरक्षण जो मिल रहा है। और कभी कभार तो क्या है कि अदालतें इस पर ध्यान देती भी हैं तो फटकार लगा देती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन को शर्मिंदगी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, फिर वही सब शुरू हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है इसी से उनकी जीत होगी। देखिए न्यायपालिका कुछ भी फैसला दे, जनता किससे सही मानती है वो इनके लिए ज्यादा जरूरी होगी, जिसे आप परसेप्शन पॉलिटिक्स बोलते हैं। अगला क्लिप हम देखेंगे रूबी का लियाकत की कैसे धज्जियां उड़ाकर रख दी रणदीप सुरजेवाला ने। लियाकत भी होगी कि लानत है आपकी मानसिकता पर। रूबिका जी आप कम से कम जुम्मेवार हैं, तो क्या उन्होंने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ फतवा कर दिया था हिसार में? आजा संडास दिखा दो। रणदीप जी विपक्ष आपसे ये आपके जो विपक्षी हैं समझ रहे हो, वो यानी बीजेपी आपसे ये सवाल कर रही है कि राहुल गांधी कितनी मर्तबा राजस्थान गए, राहुल गांधी कितनी मर्तबा छत्तीसगढ़ गए, वहाँ भी बच्चियों के साथ दुष्कर्म और रेप के इस तरीके की खबरें आती हैं। रूबिका जी मुझे कई बार दुख भी होता है और कई बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब और कितना गिरेंगे। क्या बलात्कार भी रंग भेद जाति प्रांत इलाकावाद देखकर हो सकता है? अगर राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश जाकर भाजपा के एक एमएलए की हवस की शिकार बिटिया के परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो तो रूबिका लियाकत भी होगी, वो तो आम आदमी पार्टी के लोग भी होंगे, वो तो शायद भाजपा के लोगों को भी वहाँ सहानुभूति होगी। अगर राहुल गांधी जी हरियाणा जाकर हमारी सरकार में जब थी मिर्चपुर गांव में जाकर वाल्मीकि समाज के परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं तो क्या उन्होंने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ फतवा कर दिया था हिसार में? या वो सच्चा खेड़ा गाँव में चले गए जींद जिले के, जहाँ एक और परिवार के साथ हादसा हुआ, तो वो केवल और केवल चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों चाहे वो दूसरी सरकारें हों। संदीप जी इसीलिए तो वो ये कह रहे हैं कि आप हरियाणा जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश जाते हैं, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों नजर नहीं आते हैं? इसका एक मैं छोटा सा जवाब आपसे बहुत ईमानदारी से और साफगोई से जानना चाहती हूँ। क्या ये इसलिए है क्योंकि वहाँ आपकी सरकारें हैं और वहाँ आप अपनी सरकार के खिलाफ खड़े होते हुए नहीं देखना चाहोगे? अगर बच्चियों के साथ हो तो फिर ये तो होगा। रूबिका जी मैं बहुत आदर से कहूंगा, उनकी जनरल नॉलेज या तथ्य शायद मालूम नहीं,
जब राहुल गांधी जी मिर्चपुर गांव में गए, आपने ही भी वो टेलीविजन प्रोग्राम किया था, मिर्चपुर में जो वाकया हुआ था हिसार जिले में, तो वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। जब सच्चा खेड़ा जिला जींद में राहुल गांधी सोनिया गांधी जी गए, तो वहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी। और जब इस तरह का वाकया आपके प्रांत में हुआ राजस्थान में, जिससे मेरा भी बहुत व्यक्तिगत जुड़ाव है, तो उस प्रांत में भी सबसे पहला टेलीफोन करके पूरी रिपोर्ट मंगवाकर, कार्रवाई करवाकर, लोगों को गिरफ्तार करवाकर, पोस्को एक्ट लगवाकर, एससी एक्ट लगवाकर और उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर करवाने का हुक्म और आदेश हमारी सरकार को राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने दिया। बलात्कार में भी क्या हम प्रांत देखेंगे? रूबिका जी आप कम से कम जुम्मेवार हैं, रूबिका जी आप कम से कम जुम्मेवार हैं। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मैं भी जुम्मेवार हूँ। और हम पहले इंसान हैं, फिर किसी राजनीतिक दल से या चैनल से जुड़े हुए लोग हैं। बेटी सबकी बराबर है, वो गरीब की हो या अमीर की हो, बच्चे सबके बराबर हैं, वो हरियाणा के हो या राजस्थान के या दिल्ली के हों। कृपया करके आप अपने चैनल पर जो लोग इस प्रकार की राजनीति करें, आपसे मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आप पाबंदी लगाएंगी कि ये कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, फलां पार्टी, फलां पार्टी, ये बंद करिए। अब्बा नहीं मानेंगे। 109 बच्चे हर रोज हवस के शिकार होते हैं हमारे मुल्क में। 78,000 बच्चा सरकार कह रही है। अब आपने मेरे सवालों का जवाब दे दिया रणदीप जी। जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि फोन किया, फोन करके कार्रवाई का पूरा आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हुक्म किया। हालांकि उसमें ये सवाल हो सकते हैं कि राहुल गांधी ने किस हैसियत से हुक्म किया, सकते हैं कि राहुल गांधी ने किस हैसियत से हुक्म किया। बीजेपी आपसे सवाल कर रही है कि राहुल गांधी कितनी मर्तबा राजस्थान गए, राहुल गांधी कितनी मर्तबा छत्तीसगढ़ गए, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक और सवाल जो ट्विटर पर बड़ा उठ रहा है और वो ये है रणदीप जी कि परिवार के साथ राहुल गांधी भावुक हैं, वो सच में परेशान हैं बच्ची को लेकर, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी पहचान भी उजागर हो गई है उस तस्वीर को ट्वीट करने के चक्कर में। हाँ बेटा, लगता है तुम घूम खा के ही मानोगे। आदरणीय साथी, एबीपी न्यूज वहाँ पे थे, एबीपी न्यूज ने वो चित्र दिखाए, टेलीविजन चैनल राहुल गांधी जी के जाने से पहले भी वहाँ थे, वो चित्र कल भी दिखाए गए, वो चित्र आज भी दिखाए गए, तो क्या पूरे देश के सारे टेलीविजन चैनल्स पर मुकदमा बना दिया जाए? अरे भैया, आप ये बात क्यों नहीं करते कि 3 दिन तक पोस्को एक्ट क्यों नहीं लगा? मैंने इसीलिए कहा, कृपया करके अगर आप एबीपी को भी देखें, और मैं किसी चैनल पर नहीं, एबीपी बड़ा जुम्मेवार एक चैनल है, सवाल ये है कि हम अब चित्र की टेक्निकलिटीज़ में उलझ जाएँ या बेटी के लिए इंसाफ मांगें। निर्णय आपके दर्शकों के पास है और आपके पास है, और मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि एक चित्र की टेक्निकलिटी के ऊपर हम मीन मेख निकालें, राई का पहाड़ बनाएं, या फिर हम हमारी बेटी के लिए न्याय मांगे। और इसमें भी राजनीति नज़र आती है तो मैं केवल ये कहूँगा बड़ी विनम्रता से कि लानत है आपकी मानसिकता पर। रणदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बेबाकी के साथ आपके साथ खड़ी रहूंगी कि किसी बच्ची के साथ इस तरीके का दुष्कर्म नहीं हो सकता है, और अगर उसके साथ हुआ है तो राजनीति छोड़कर हम सबको वहां पर उस बच्ची और उस बच्ची के परिवार के साथ खड़ा होना होगा। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी दीदी, मैं सरकार में रहता मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी, मैं आपको तोपों की सलामी दिलवाता दीदी, मैं बोल करके ये दुख का खत्म नहीं होता बे। म्यूजिक। और अगले क्लिप में हम देखेंगे इन सभी संगी मानसिकता वाले लोगों के मुंह पर कस के तमाचा मारा है मनोज झा ने। अगर हमारे देश के लीडर्स की ऐसी सोच हो जाए तो हमारे देश में कभी दंगे नहीं हो सकते। सत्ता हासिल करने के लिए हम गरीबों के घर ढा सकते हैं, और इतनी सी बात है, जो लोग ये कह रहे हैं कि घर इलीगल थे इसलिए ढाए गए, तो भक्तों अगर इलीगल थे तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तुम्हारे संगियों ने कोर्ट का आदेश क्यों नहीं माना? वैध अवैध की बात तो अब बहुत पीछे छूट चुकी है साहब, अब तो बस हमें रंग देखकर मकान जलाने हैं। ये कौन लोग हैं? इनको कौन सा व्हाट्सएप फॉरवर्ड प्रोवाइड किया जा रहा है? ये जो व्हाट्सएप प्रोवाइड फॉरवर्ड जाता है इनको, और जिसको ये जहर की तरह उगलते हैं, ये जहर फिजा में जा रहा है। अमरनाथ की वैष्णो देवी की यात्राओं में पथराव होता था, जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है पूरे देश में ये होने लगा है। सदन वाकिफ है, होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने सदन के अंदर डेमोग्राफी पे बयान दिया है कि हमारा जो टीएफआर है ना,
अब हमें कंफर्टेबल कर रहा है। अब ये फलाना कौन, यदि क्या है, वो कई और हैं, साधु साध्वी, अब ये डेमोग्राफी पे बयान दे रहे हैं। मैं तो फिर कहूंगा हस्तक्षेप, क्योंकि सदन के अंदर मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री एक बिल के दौरान, बहस के दौरान उन्होंने कहा था, ये कौन लोग हैं, इनको कौन सा व्हाट्सएप फॉरवर्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, ये जो व्हाट्सएप प्रोवाइड फॉरवर्ड जाता है इनको, और जिसको ये जहर की तरह उगलते हैं, ये जहर फिजा में जा रहा है, और जब जब जहर वातावरण में होता है ना, कोई नहीं बचता है। देखिए, धर्म संसद धर्म की रक्षा के लिए बुलाई जाती है, लेकिन हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हम हिंदुओं ने धर्म की रक्षा को ऐसा महत्वपूर्ण माना ही नहीं है। लेकिन अब यंग साधु जो हैं, जो नए हमारे साधु हैं, ऐसे हमारे तपस्वी महाराज जो हैं, अब धर्म रक्षा की चर्चा करना चाहते हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज इस्लाम का जिहाद पूरे भारतवर्ष को खाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, आप देख ही रहे होंगे। अभी आप देवभूमि में भी जिस तरह की घटनाएं आप देख रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि हिंदुओं का भविष्य थोड़े दिनों में क्या होने वाला है। जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से हिंदुओं का यहाँ जो भाग्य है वो एकदम अस्त होता चला जा रहा है। हमें अपने सनातन धर्म की, अपने सनातन धर्म के मानने वालों की चिंता है, और हमारा कर्तव्य है साधु होने के नाते कि हम इस चिंता पर चर्चा करें, तो वही चर्चा धर्म संसद में होनी है। देखिए, विवाद नहीं होते मेरे बयानों से। वो लोग जो ये सोचते हैं कि वो इस भारत पर कब्जा कर लेंगे, वो बिलबिला जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये आदमी कहां से खड़ा हो गया और हमारी पोल खोलने लगा। जब उनकी पोल खुलती है तो वो नाराज होते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जैसे उनके हाथ में है, उनके पूरे गिरोह है, वो हमारे खिलाफ चिल्लाने लगते हैं। केवल इतना है, बाकी मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या पहाड़ों पे भी देख रहे होंगे, आपने देखा होगा, जैसे जैसे यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी तरह यहाँ आपराधिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। ऐसे जघन्य अपराध जो पहले कभी पहाड़ों पर नहीं होते थे, होने लगे हैं। जैसे हमारी बेटी प्राची की हत्या आपने देखी होगी। तो ये सब, इन बातों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैं तो केवल सत्य बोलता हूँ, लोगों को बुरा लगता है क्योंकि वो सत्य सुनना नहीं चाहते, सहन नहीं करना चाहते, और कुछ लोग अपराधियों के साथी हैं। आप बात करते हैं कि हिंदू तक जो है वो खतरे में, कहीं मोदी सरकार लगातार दावा करती है। देखिए, मैं मोदी सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं किसी राजनीतिक दल पर टिप्पणी करना चाहता, लेकिन मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने सारी राजनीति को आज घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अब आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर जब हिंदुओं की शोभा यात्रा और जुलूस निकलते हैं, उन पर पथराव होता है। ये पहले कश्मीर में होता था, अमरनाथ की वैष्णो देवी की यात्राओं में पथराव होता था। जैसे जैसे मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, अब पूरे देश में ये होने लगा है। तो ये चीज है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी सरकार इसे नहीं रोक पा रही है, नहीं रोक सकती है, क्योंकि मुसलमान सरकारों को मानते ही नहीं है। वो सरकारों से केवल फायदा उठाते हैं, सरकारों की मानते तो किसी की है नहीं। सरकारें उनके लिए चाहे कितना ही कर लें, वो तो इस देश के अंदर जो है वो अपना जो अपना ही राज लाना चाहते हैं, इसे दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। तो भाई सरकारों से तो मेरा इतना ही कहना है कि सरकार इन बातों को समझे, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो। आखिरी एक सवाल, हिंदुओं के लिए क्या संदेश आपका है? देखिए, मेरा हिंदुओं के लिए केवल इतना संदेश है कि हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें, और परिवार जो है पैसों से मजबूत नहीं होते, परिवार मजबूत होते हैं जब उसमें बच्चे होते हैं, जब रिश्ते होते हैं। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.